हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी भाई हम जाने वाले हैं अंजुना बीच, तो आप वीडियो में पूरी बने रहें क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़तरनाक। अभी हम पहुंच चुके हैं अंजुना थाने के एकदम बगल में, और जो ये हमारा जो ब्लॉग होने वाला है ये हम पैदल जा रहे हैं, ना ही कोई गाड़ी है ना कोई कुछ है, और हम जा रहे हैं पैदल। हम देखना चाहते हैं कितनी दूर है, तो अभी हम जैसे ही उधर पहुंचेंगे उसके बाद और उससे पहले ना आप इधर का व्यू देखो, एकदम खतरनाक वाला यार ये व्यू देखो आप। तो भाई ये है ना सामने चर्च है, और चर्च के एकदम बगल से जा रहा है ये वाला रास्ता, जो कि हमने अभी किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था अगर गाड़ी से आना है तो पीछे से आप जा सकते हो चर्च के। और यहाँ के जो ये यहाँ के मकान है ना भाई बहुत ही मस्त, और ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट जो है अंजुना जाने के लिए। और उसके बाद देखो यहाँ का व्यू देखो, यहाँ का ऐसे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट यहाँ दिखने को मिल जाएंगे, और ये ऐसी चेयर लगी है आप चाहो तो बुक कर सकते हो ये चेयर, उसके बाद आप उस पर बैठ के रिलैक्स हो सकते हो आराम से, है ना? नहीं दूसरा है। और उसके ये देखो, ये देखो यहाँ का ऐसे लग रहा है चांद पे पहुँच गया, एक गड्ढे है ना जैसे लग रहा है मैं चांद पे चला गया। चांद पे देखो सबसे पहले यहाँ का व्यू देखो आप, इतना मस्त व्यू है। उसके बाद हम जाने वाले हैं आगे, थोड़ा फोटो खींचेंगे। और देखो पहले तो यहाँ देखो एकदम ऐसे फील आ रहा है मैं चांद पे हूँ जैसे, है ना, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे, ये देखो ये देख सकते हो आप इधर गड्ढे। देखो यहाँ पर सीन, चलो ये देखो आप इंजॉय करो यहाँ का सबसे पहले व्यू देखो, और उसके बाद मिलते हैं तब से थोड़ा आगे। इधर का जो भी माहौल है ना एकदम शांत है, क्योंकि हम आए हैं दोपहर में, अभी बज रहा होगा ये 12:00-1:00 के बीच में टाइम हो रहा है, और अभी 12:00-1:00 के बीच में हम आ रखे हैं, तो इसमें इधर ज़्यादा क्राउड नहीं है। जो क्राउड होता है ना वो शाम को होता है और ज़्यादातर होता है सैटरडे या संडे के दिन, तो आज उतना क्राउड नहीं है। आप अगर सैटरडे संडे को नहीं आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा क्राउड भी नहीं मिलेगा और आप पूरी जगह को आसानी से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो ये बोट हैं जो ये आप हैं, हम तकरीबन 500 रुपये लेते हैं, और एक दो चक्कर आपको ये घुमाएंगे। ये देखो यहाँ का सीन, बहुत मस्त लगा मेरे को यहाँ से। कई जो मैंने पिछला लोग आपको दिखाया था बाबा टोर का, ये उससे बड़ा बाबा टोर का होता है, तो ये थोड़ा उससे बढ़ चुका है। अभी हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई आने वाला था एक दोस्त, तो मिल नहीं रहा है, वैसे इसको फ़ोन कर रहे हैं आज है। उधर तो है कोई लिखा हुआ रेड शर्ट वाला, तो भैया उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं आले हैं। और इसके बाद ना माना वीडियो गाड़ी लेके आया तो एक्टिवा, तो हम इसके बाद सोच रहे हैं हम जाएंगे यहाँ से पारा रोड, जो आपने देखा होगा बहुत सारे उसके पीछे बांध रहे हैं, उसके उसमें बांध रहे हैं, उसमें मोटर नहीं है आगे वाले, उसमें बांध के
हम सोच रहे थे उसमें मोटर है, सॉरी डियर जिंदगी जो मूवी थी ना उसकी शूटिंग वहीं हुई थी, तो हम चलेंगे अभी उधर। ये देखो कुछ तो ये है जेली फिश जैसा, अगर आप उसका नाम पता है तो कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखो यहाँ का अभी का नज़ारा, मेरा ऐसे ही चलता रहता है कुछ ना कुछ, जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो चलो हम चल रहे हैं अभी वापस, और उसके बाद हम जाने वाले हैं पारा रोड, पर वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, हम उसके लिए अगला एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसी में दिखाएंगे तो वो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियो आपको दिख सके। बाय बाय।